स्वागत है आप सभी का मराठी अकेडमी पर। और आज हम करने जा रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चनों का तीसरा पार्ट। तो देखते हैं आज के हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मान निर्भर करता है। तो ऑप्शन ऑप्शन है कणों की प्रकृति पर, कणों के मध्य उपस्थित माध्यम पर, समय पर, या किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो एफ इक्वल टू होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो जी होगा उसका मान एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू। तो इस यह जो होता है यह एक सार्वत्रिक नियतांक है, कांस्टेंट है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो जो जी का जो मान होता है वह 6.67 × 10^-11 और इसका जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। एम द्रव्यमान के किसी पिंड को गहरी खान के तल पर ले जाया जाता है, तब उसका द्रव्यमान बढ़ता है, उसका द्रव्यमान घटता है, उसका भार बढ़ता है, उसका भार घटता है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का कहीं पर भी समान रहता है, अर्थात परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आपने सुना होगा एफ जो वेट इज इक्वल टू होता है एम जी। तो यहाँ पे जो ये वेट है ये होता है भार, और जो ये एम जो होता है यहाँ पे ये होता है मास, और ये गुरुत्वीय त्वरण त्वरण होता है। तो यहाँ पे जो ये मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता, अर्थात मास कभी भी चेंज नहीं होता है, और गहरी खान के तल पर ले ले जाया जाता है तब इसका भार घटता है। जैसे कि देखते हैं आप, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसके इसके यहाँ पर ध्रुव है और ये इसका केंद्र है। तो यदि सतह पृथ्वी की सतह से अगर यदि हम दूर जाएंगे तो इसका मान एम के द्रव्यमान के किसी पिंड के तल पर दिया जाता है तो उसका भार घट जाता है। तो इसका भार घटेगा क्योंकि जी का मान घट जाता है जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से दूर ले जाया जाता है। जी का मान जो होता है 9.8 m/s². ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। घड़ी की सुई में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है, इसका आंसर होगा 24 घंटे। जैसे कि ये एक हमारी घड़ी है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 3। तो अब यदि घड़ी घड़ी की सुई किसी एक स्थान से जाकर वापस उसी स्थान पर आ जाती है एकांक समय में, तो एक आवर्तकाल पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे घंटे की सुई घूम के उसी स्थान पर आ गई है, तो वो कितना समय लेगी? 24 घंटे। तो इसका आवर्तकाल 24 घंटे हुआ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? वायु में, ठोसों में, जल में, या जल व ठोसों दोनों में? तो इसका आंसर होगा ठोसों में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोसों में, फिर उसके बाद में होता है द्रव में, फिर उसके बाद में होता है गैस में। तो ये सीक्वेंस होता है ठोस, द्रव और गैस का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कंपन होता है कंपन होता है
इसका ऑप्शन है तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा के लंबवत होता है, कण कंपन नहीं करते, तरंग की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा तरंग की दिशा में होता है, तरंग की दिशा में होता है। कैसे होता है? अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे कि यांत्रिक तरंग, सॉरी यांत्रिक तरंग जो होती है वो दो होती हैं, एक तो होती है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग जो होती है, जिसका जो कंपन जो होता है ना, वो संचरण की दिशा में होता है, जो एग्जाम्पल के तौर पर ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, यहाँ पे ध्वनि तरंग, और एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग में जो बल लगाया जाता है, स्प्रिंग का संपीड़न व विरलन, और अनुप्रस्थ में यह लंबत लंबत होता है, मतलब जो तरंग की जो संचरण संचरण कर रही है ये उसके लंबत लगती है, तो ये एक लंबत दिशा में होता है। इसका एग्जाम्पल है प्रकाश तरंग व तनी हुई डोरी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात और समझाता हूँ कि ये जो एग्जाम्पल है ऐसे, तो यहाँ पे जो ये जो सरंग सरंग होती है, इनके जो बीच की लंबाई होती है वह तरंग दैर्ध्य होती है, और ये जो जो सरंग की हाइट की ऊंचाई होती है, जो ये होता है आयाम। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यमिक कणों का कंपन होता है, तरंग की दिशा में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है, अनुदैर्ध्य तरंग किस किस के अंदर उत्पन्न की जा सकती है? ऑप्शन है ठोस व गैस में, ठोस व द्रव में, गैस व द्रव में, ठोस द्रव और गैस तीनों में। तो इसका आंसर होगा ठोस और द्रव में, अनुदैर्ध्य तरंग इन दोनों के अंदर उत्पन्न की जा सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तरंग के वेग वी और तरंग दैर्ध्य लैम्बडा और आवर्ती फ्रिक्वेंसी, ये संबंध क्या होता है? थोड़ा सा इसको हम सही कर लेंगे यहाँ पे, ये वी इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा, ये संबंध होता है इसके अंदर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विलयन होता है कहलाती है, कौन से तरंगों के अंदर विलयन और संपीड़न होता है? मैंने अभी बताया आपको, इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विलयन होता है, जैसे कि स्प्रिंग 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 को हम दबाएंगे तो ये छोटी सी हो जाएगी, और इसको वापस हम उसी अवस्था में लेके आएंगे तो वह वापस उसी अवस्था में जाएगी। अल्ट्रावायलेट किरणें, आप सभी को बताया कि यह हमारे लिए हानिकारक है, हमारी त्वचा को ख़राब करती है। प्रकाश तरंगे, जो एक फोटोन, जो इनमें जो ऊर्जा होती है एक पैकेट्स के रूप में होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होगा CaO, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जनक हैं, तत्वों की आधुनिक प्रणाली के जनक हैं, प्रतीक प्रणाली के जनक हैं, तो आपको पता है रदरफोर्ड, जिन्होंने परमाणु मॉडल पर आधारित दिया था कि परमाणु ठोस है या नहीं है, इन्होंने वो स्वर्ण पन्नी का उपयोग करके पता लगाया था, जॉन डोल्टन, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था, नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु मॉडल दिया था, इसके अनुसार कि जो कक्षा होती है हाइड्रोजन की, उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वो फिक्स या निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो इनके अनुसार KLMNO
ये कोसो के नाम दिए थे इन्होंने, इसका आंसर होगा बर्जीलियस। बर्जीलियस ने तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जनक माने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सहसंयोजक बंध युक्त है। सहसंयोजक बंध युक्त है, यहाँ पे करेक्शन लेना, सहसंयोजक बंध युक्त है। NaCl नमक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका आंसर होगा H2O, H2O इसका आंसर होगा। सहसंयोजक बंध की बात करते हैं हम, तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनते हैं। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन Cl2 है, N2 है, H2 है, तो Cl का ले लेते हैं। तो Cl के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन लेके स्थायी होना चाहता है, इसीलिए क्लोरीन होता है वह एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, शेयरिंग करना चाहता है, 3, 4, 5, 6 और एक यहाँ पे आ जाता है। वैसे ये क्लोरीन भी लेना चाहता है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को शेयर होता है, इसके दोनों के मध्य तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, परमाणु का आकार होता है, परमाणु का आकार ये जो होती है, ये नाभिक नाभिक की त्रिज्या, ये नाभिक की त्रिज्या होती है और 10^-15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो होती है 10^-10 मीटर। इसका जो आंसर होगा 10^-8, इसका आंसर होगा परमाणु का आकार। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग प्रतिरूप दिया था। ऑप्शन है नील्स बोर ने, थॉमसन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या गोल्ड स्टीन ने, तो आप हम बात करते हैं गोल्ड स्टीन की, तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, गोल्ड स्टीन ने, रदरफोर्ड ने नाभिक की, और नील्स बोर को मैंने अभी बताया आपको कि हाइड्रोजन का परमाणु मॉडल, ये जो प्लम पुडिंग का प्रतिरूप दिया था वो दिया था थॉमसन ने। प्लम पुडिंग जो होती है एक मिठाई होती है, मिठाई साउथ की, ये मिठाई इस प्रकार से होती है और इसके अंदर सूखे मेवे के दाने पटक दिए जाते हैं, तो इन दानों को इलेक्ट्रॉन कहा गया था। और हम इसका एक और एग्जांपल तरबूज भी है इसका एक उदाहरण। तो प्लम पुडिंग का जो प्रतिरूप दिया था वो थॉमसन ने दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो ड्यूटेरियम की संख्या कितनी, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु, ये इसको हम बोल सकते हैं, परमाणु
भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो समस्थानिक कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के जो तो समस्थानिक हैं वो हैं एक तो स्वयं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक होता है ड्यूटेरियम और दो न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एक। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वह एक होती है, एक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एड्स रोग का प्रसार नहीं होता है। एड्स रोग का प्रसार रक्त द्वारा, स्पर्श द्वारा, माता से संतानों को, यौन संबंध द्वारा। तो इसका आंसर आपको सभी को पता है कि स्पर्श के द्वारा नहीं होता है, रक्त के द्वारा होता है माता पिता से संतानों में और यौन संबंधित होता है। तो एड्स जो होता है AIDS, एड्स जो 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है, और एड्स एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होगा एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, होने वाला रोग, कुष्ठ रोग, मलेरिया रोग और कोई नहीं, टिटेनस और चिकन पॉक्स। तो इसका आंसर होगा कोई नहीं, विटामिन डी की जो वजह से होता है वह होता है रिकेटस, ये सूखा रोग है। इसमें दांतों की वृद्धि रुक जाती है और अस्थियां कमजोर होती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। जो कुष्ठ रोग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से ये होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है ये। टिटेनस किसकी वजह से होता है, टिटेनस ये भी एक बैक्टीरिया 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 की वजह से होता है। चिकन पॉक्स वायरस वायरस की वजह से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग इनमें से कोई नहीं होता है, रिकेक्टस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वायुमंडल में आयतन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इनकी कौन सी गैस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो इसका आयतन होता है वो होता है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। सीक्वेंस में एक ट्रिक है, नो सॉरी एक ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, नो ए सी इनकी एसी मत चलाओ। तो इसमें जो होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये होता है आर्गन और ये कार्बन। इसके अनुसार होता है कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अम्लीय वर्षा निम्न में से किसका परिणाम है, यानी कि अम्लीय वर्षा से अगर होती है तो क्या हो जाता है, मतलब किसके कारण ये होती है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा होती है वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है, जैसे कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, HNO3 सिट्रिक एसिड सॉरी नाइट्रिक एसिड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनके तीन कारण हैं जिसकी वजह से ये होती है। जीव जननवाद किसके द्वारा दिया गया है, जीव जननवाद किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है ओपेरिन, फ्रांसिस्को रेडी, लीबिग वॉन हैमिल्टन, हैमिल्टन किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्रांसिस्को रेडी के द्वारा, फ्रांसिस्को रेडी के द्वारा दिया गया है। ये दिया गया था 1668 के अंदर। जीव जननवाद मतलब कि जीव का विकास कैसे होता है, इन सब के बारे में इन्होंने दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों में लचक में दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है। तो हम आज पहले ऊतकों के बारे में बात कर लेते हैं। ऊतक पहले तो जानते हैं, ऊतक ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक जो कहते हैं वो होता है कि समान समान कार्य विकास व संरचना वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी परिभाषा। अब देखते हैं हम ऊतक के पार्ट, ऊतक के पार्ट। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। ठीक है, और जो ये प्लांट टिश्यू है ये भी तीन पार्टों में डिवाइडेशन हो जाता है इनका भी। एक तो होता है विभाज्योतक, एक होता है स्थायी ऊतक, स्थायी ऊतक। ठीक है, ये तीन पार्टों में डिवाइडेशन होता है इनका, तो हम इसके बाद बात बाद 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 में करेंगे। पहले हम बात करेंगे इसके बारे में। ये होता है परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, पहला तो है सरल ऊतक और दूसरा होता है जटिल ऊतक। ठीक है, तो सरल ऊतक होते हैं तीन, ये दो होते हैं और ये होते हैं तीन। तो इसमें से पहला जो ऊतक होता है वो होता है मृदु ऊतक, जिसे हम स्केलेरन काइमा कहते हैं, पेरेन काइमा। दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक और तीसरा जो होता है वो होता है द्रोण ऊतक। ये तीन ऊतक होते हैं इसके अंदर, और इसके जो अंदर होते हैं वो होता है जाइलम और ये एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें होता है पादपों में लचक दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक। तो इसका इसका उत्तर होगा स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक क्या होते हैं, स्थूल कोण ऊतक होते हैं सरल ऊतक, और सरल ऊतक में भी क्या होते हैं स्थायी ऊतक होते हैं। ये तो मृदु ऊतक होते हैं जो पादपों के अंदर जो कोमल पार्ट या मुलायम पार्ट होते हैं उनके अंदर मृदु ऊतक काम आता है। द्रोण ऊतक
ये ठोस जो कठोर कठोर पार्ट होते हैं पादपों के उनमें पाया जाता है। ये जो दृढ़ ऊतक होता है ये यांत्रिक यांत्रिक सामर्थ्य भी देता है, यांत्रिक सामर्थ्य भी देता है पादपों को अलग से। तो ये हो गया। और एनिमल एनिमल चार एनिमल के चार पार्ट होते हैं, ठीक है। इसका इसका आंसर होगा स्थूल कोण ऊतक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका चक्कर की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो कोशिका चक्कर क्या होता है पहले तो हम ये जानते हैं। तो कोशिका चक्कर जो होता है कि जैसे कि एक बड़ी कोशिका होती है, वो बड़ी कोशिका दो पार्टों में डिवाइडेशन हो जाता है उसका, फिर ये कोशिका वापस डिवाइडेशन हो जाता है, पार्ट हो जाता है इनका अलग अलग, इसका भी ऐसे ऐसे होता रहता है। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहती है। तो इस पूरी अवस्था में होने वाले परिवर्तन कोशिका चक्र कहलाते हैं। जो भी अवस्थाएं बनती है, जो भी अवस्थाएं होती है, वो कोशिका चक्र के अंदर आती है। तो डीएनए का संश्लेषण किसके अंदर होता है? तो डीएनए का संश्लेषण होता है एस प्रावस्था के अंदर, एस प्रावस्था के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है। इसके अंदर होता है जीवन के अंदर होता है प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। G2 इसके अंदर होता है मात्र प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ये कोई होता ही नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा एस प्रावस्था। ये जो होता है जीवन जीवन जो होता है वह अंतरावस्था, ये जो होता है अंतरावस्था और ये जो अंतरावस्था होती है इसके पार्ट होते हैं जीवन, G2 और GS, ये तीन इसके पार्ट होते हैं। और जो कोशिका चक्र का दूसरा जो पार्ट होता है, देखते हैं यहाँ पे, कोशिका जो चक्र का दूसरा पार्ट होता है उसका नाम है विभाजन, विभाजन प्रावस्था। इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका का केंद्रक दो पार्ट में डिवाइड होता है, टू पार्ट डिवाइडेड में पार्ट अलग अलग हो जाते हैं इसके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर एस प्रावस्था होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्तियों में ग्रंथिरंध्र पाया जाना अनुकूलन है, तो किसके अंदर ग्रंथिरंध्र पाया जाता है पत्तियों में? तो इसका होगा मरुद्भिद, इसका आंसर होगा मरुद्भिद। मरुद्भिद जो होते हैं वो एक तरह के, जहाँ पर जैसे राजस्थान है तो वहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, वहाँ पे बहुत ही कम पानी में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कि ये कितने पार्टों का होता है, मतलब जो पादप के जो निवास स्थान होते हैं वो कितने होते हैं? तो ये पांच होते हैं, आइए इनके नाम देखते हैं। पहला है जलोद्भिद होता है, दूसरा होता है मरुद्भिद, तीसरा होता है समुद्भिद, चौथा होता है शीतोद्भिद, और पांचवा होता है लवण मृदा भिद। ये पांच इसके पार्ट होते हैं जहां पर ये पौधे उगते हैं। तो जलोद्भिद जहां पर जल की बहुत अधिक मात्रा उपस्थित होती है, जहां पर इनकी बहुत अधिक मात्रा होती है। मरुद्भिद जैसे कि वहां पर पानी बहुत कम उपस्थित होता है, वहां पर उगने वाले पौधे, इसका एग्जाम्पल तो होता है कमल, सिंघाड़ा, सिंघाड़ा जलोद्भिद के अंदर उगते हैं। मरुद्भिद में कैक्टस, कैक्टस। समुद्भिद जहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, जैसे जल है, लवण है, वहाँ का पर्यावरण
सही तरीके का है, पूरी तरीके से सब कुछ सही है, तो वहाँ पे मरुद्भिद होता है। शीतोद्भिद, शीतोद्भिद जहाँ पर बहुत अधिक बर्फ बर्फ होती है, उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे इस जगह में होते हैं शीतोद्भिद के अंदर। लवण मृदायुक्त, लवण की मात्रा पर्याप्त होती है, जहाँ पर लवण की मात्रा जल और लवण की मात्रा मृदा के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, वह तो लवण मृदाभिद होते हैं। तो ये पांच पार्ट होते हैं जहाँ पर पादप निवास करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर होगा मृदभिद ग्रंथिरंध्र पाए जाते हैं, तो वो मृद भी में पाए जाते हैं। सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाव है, तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे अधिक विकसित पादपों का प्रभाव, तो इसका आंसर होगा आवर्त बीजी। देखते हैं कैसे, तो आप सभी को पता है वहीटेकर, 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 सॉरी, वहीटेकर, वहीटेकर ने पंच पंच जगत अवधारणा, पंच जगत अवधारणा दी थी वहीटेकर ने, और ये जो दी थी, ये दी थी 1959। इनके अनुसार पांच जगत होते हैं, जैसे कि पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी, प्लांटी, पांचवा होता है एनिमेली, एनिमेलिया, एनिमेलिया, तो ये पांच जगह होते हैं। एनिमेलिया, तो ये जो होता है आवर्तबीजी, ये होता है प्लांट के अंदर। तो हम प्लांट के पार्ट्स देखते हैं, प्लांट, प्लांट जो होता है, प्लांट, प्लांट के तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है थैलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो होता है वो होता है टैक्रियोफाइटा। तो जो टैक्रियोफाइटा होता है, ये तीन पार्टों में विभाजित होता है, जिनका नाम है आवर्त बीजी, दूसरा है अनावर्त बीजी, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। तो ये तीन होते हैं जिसके अंदर जो बीज होता है पूरी तरीके से ढका हुआ होता है, एक कठोर कवर होता है जिसकी परत होती है, इसके अंदर कोई बीज, इस बीज के ऊपर किसी प्रकार का कवर नहीं होता है। जो आवर्त बीजी होता है, इसी इसी के अंदर फल का निर्माण, बीज का निर्माण होता है, इसी कारण ये सबसे विकसित पादप पादपों का प्रभाग है। तो ये एक टैक्रियोफाइटा समूह का है आवर्त बीजी, प्लांट के अंदर इसका वो होता है। जो थैलोफाइटा होता है, इसका जो एग्जाम्पल है वह शैवाल, शैवाल इसका एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा, फ्लेनेरिया और ये होते हैं। तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, पौधों जो जल प्राप्त होता है वह है, यानी कि किसके द्वारा पौधों को जल प्राप्त होता है? आद्रता ग्राही जल, गुरुत्वीय जल, बिंदु स्राव से प्राप्त जल, और केशिका, केशिका जल। तो इसका आंसर होगा केशिका जल, केशिका जल के द्वारा ही पौधों को जल प्राप्त होता है। बिंदु स्राव, बिंदु स्राव जो होता है, ये जैसे कि ये पत्ती है, तो पत्ती में ऐसे होते थे, इसके किनारों पर
किनारों पर पानी का उत्सर्जन होता है और एक बूंद के रूप में नीचे गिरता है, तो इसको ही हम बिंदु स्राव कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा, उपोद में जल प्राप्त होता है वो कोशिका जल के द्वारा प्राप्त होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्यतः तो शरीर का प्रकुंचन दाब कितना होता है? प्रकुंचन दाब 120 अधिकतम और ये जो होता है न्यूनतम, मतलब 120 से 80 nm। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाद्य पदार्थों का संवहन निम्न के द्वारा होता है? हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों के संवहन के बारे में। संवहन के बारे में जो ऐसा उत्तक, इनका जो उत्तक के द्वारा खाद्य पदार्थों का संवहन किया जाता है, पदार्थों के द्वारा, उत्तक पदार्थ यानी कि उत्तक के द्वारा, सॉरी, खाद्य पदार्थों का संवहन किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फ्लोएम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है ये एक जटिल उत्तक होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं ये, और ये जो जाइलम होता है ये जल व लवण का संवहन करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रंध्र द्वारा विनिमय होता है, यानी कि रंध्रों के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? पत्तियों के अंदर ये होती है पत्ती, तो पत्ती के अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, वो ये रंध्र होते हैं छोटे छोटे। तो रंध्रों का जो विनिमय, रंध्रों के द्वारा जो विनिमय होता है वह होता है जल, वाष्प और गैसों का। यहीं से उत्सर्जन भी होता है और इसी के द्वारा, रंध्रों के द्वारा उनको प्राप्त भी होता है, विनिमय होता है रंध्रों के द्वारा जल, वाष्प और गैसों का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु की वृत्ताकार गति के लिए आवश्यक बल कौन सा होता है? तो वस्तु की वृत्ताकार गति, ये क्वांटम, जैसे कि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में लगातार घूम रही है तो उस पर लगने वाला बल जो होगा वह अभिकेंद्रीय बल होगा, अर्थात जो ये वस्तु है तो अंदर की तरफ बल लगेगा इसका, उस केंद्र की ओर बल लगता है। एक होता है अपकेंद्रीय बल जो बाहर की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र के विपरीत जो बल लगता है अपकेंद्रीय बल होता है, और जो केंद्र की ओर लगता है वह अभिकेंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल आप सभी जानते हैं, किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर आकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और अब घर्षण बल ये एक रोड है, रोड पे चलने वाले साधन, तो उसके पहियों और जो पहिया होता है और रोड के बीच में लगने वाला घर्षण बल होता है। अगर यदि घर्षण बल नहीं होता है तो गाड़ी स्लिप मार जाएगी और गिर भी सकते हैं आदमी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। थैंक यू सो मच आज हमारे वीडियो को देखने के लिए, और लाइक और शेयर करना ना भूले हमारे मुराद एकेडमी चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।